तो यार कैसे हो? तो यार पहले तो थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट गाइस। आपका सपोर्ट काफी तगड़ा चल रहा है, ऐसा ही सपोर्ट बने रहने दो। और गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कुछ वीपीएन ट्रिक्स और देखेंगे क्या वीपीएन वर्क करता है सीओडी में, क्योंकि पबजी मोबाइल में तो काफी लोगों की मैंने क्रेट ओपनिंग्स देखी है, वीपीएन से काफी अच्छा हो जाता है। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे डिफरेंट टाइप के वीपीएन और ट्राई करेंगे कि हमारे इस नॉर्मल सर्वर पर भी हमें काश कुछ मिल जाए। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एंड सब्सक्राइब बटन के ऊपर नारियल फोड़ते हुए चलिए शुरू करते हैं। बस मुझे एक कमेंट आया था हमारे वीडियो में कि सारे क्रेट साथ में खोल के देख, और यहाँ पर मैंने खोल दिए अपने फ्रेंड के सारे क्रेट्स उसके अकाउंट में। तो यहाँ पर देखते हैं उसको क्या मिलता है गाइस। और यहाँ पर गाइस उसको कुछ नहीं मिला, यहाँ पर लिटरली कुछ नहीं। तो साथ में खोलने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है गाइस। तो हम लोग आ जाते हैं हमारे नॉर्मल क्रेट ओपनिंग के ऊपर। यहाँ पर मुझे मिल चुकी है FHG18 की स्किन, जो कि काफ़ी अच्छी गन है अगर आपको रैपिड फायर खेलना है तो। और यहाँ पर Arctic 50 की, हालांकि मेरे पास एक है बट ये ठीक है, चल जाएगी मुझे। तो गाइस ये तो मैं कर रहा हूँ अपने नॉर्मल सर्वर पे एंड ट्राई करने का कर रहा हूँ कि कुछ हो जाए इस सर्वर पे ही तो अच्छा है। बट देन फिर मुझे लगता है कि इसमें भी वीपीएन लगाना पड़ेगा हम लोग को। एंड जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा मैंने स्पीड अप कर दिया प्रोसेस, क्योंकि पीछे आपको बोर नहीं करना चाहता मैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम से कनेक्ट कर लिया है मैंने अपना वीपीएन, मैं यूज़ कर रहा हूँ NordVPN। तो आओ यार यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्रेट्स हैं, तो इन्हें एक का एक करके खोल के देखते हैं। यहाँ पर ये तो ऑलरेडी था मेरे पास। ओके, एक एक की एक अच्छी सी स्किन मिल चुकी है मुझे, जो नहीं थी मेरे पास पहले। और ये निंजा, नोप, नहीं। देखते हैं और कोई क्रेडिट ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ पर भी क्रेडिट्स, यहाँ पर मुझे पता है क्रेडिट से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, कि ये क्रेडिट में मिलता ही वैसे क्रेडिट्स हैं। ओके, यहाँ पर सेलिब्रेशन क्रेट भी खोल के देख सकते हैं हम लोग, दो पड़े हैं हमारे पास। तो यहाँ पर स्काउट मिल गया है। ओके, फैशन पर्पल स्काउट की वजह से मेरे पास काफ़ी सारी स्किन्स हैं। और ये वाले क्रेट में से मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए तो नहीं, खाली वो लेव क्रामेज को चाहिए। और यहाँ पर हम लोग यूनाइटेड स्टेट से कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर देखते हैं। और यूनाइटेड स्टेट से हमको चेकॉम चाहिए ये वाले क्रेट में से मेन तो। हाँ बाय द वे गाइस, ये गेम प्ले थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, तो ये सीजन 2 के क्रेट्स है, सीजन 2 के बैटल पास क्रेट्स है एंड सीजन 3 के नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे अपडेट्स बीच में आ गए थे, इसलिए हम लोग उस पर वीडियो बनाने में फोकस कर रहे थे एंड ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। बट देन कोई नहीं, यहाँ पर अब हम लोग खोल लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर हम लोग थोड़े से क्रेट खोलेंगे एंड देन बाकी के क्रेट्स जो हमारे हैं वो हम लोग जाके दूसरे सर्वर में खोलेंगे। तो गाइस USA के सर्वर ने तो थोड़ा निराश कर दिया है, बट देन एक दो क्रेट और खोल के देख लेते हैं हम लोग। ओके, नहीं, यहाँ पर लास्ट एक क्रेट खोल लेते हैं हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग सर्वर लगा दिया है मैंने जर्मनी का, तो देखते क्या पता जर्मनी में हम लोग को काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिल जाए। एंड यहाँ पर पहले तो हम लोग बैटल पास क्रेट को ओपन कर लेते हैं। स्काउट, ओके, सेलिब्रेशन क्रेट है यहाँ पर। ओके, ये भी देखते हम लोग एंड खोल के देखते हैं कौन सा हम लोग को। अभी पहले तो फियरलेस सोल्जर खोल लेते हैं। ओके, फियरलेस सोल्जर से मुझे ज़्यादा होप है नहीं, क्योंकि मुझे उसमें से ऑलरेडी एक चीज़ मिल चुकी है अच्छी। तो एक्चुअली बैटल पास क्रेट से मुझे ये जो चिकॉम की स्किन है, ये वाली नहीं, जैक फ्रॉस्ट नहीं, दूसरी वाली जो चिकॉम की है CQB, वो काफ़ी अच्छी लगी, तो मुझे पर्सनली वो चाहिए। और बाकी दूसरी वाली जो उसमें स्किन है लेजेंडरी में पर्पल में, वो है मेरे पास ऑलरेडी, तो मुझे अभी चाहिए जो LK24 CQB तो है मेरे पास। एंड यहाँ पर क्या पता मिल जाए मुझे। एंड एक दो गन स्किन्स है ASM10, वही मिल गई। तो यहाँ पर ASM10 मिल गई है गाइज, ये थी नहीं मेरे पास। और यहाँ पर फिर से मैकेनिक निकल चुकी है एंड ये सर्वर थोड़ा बहुत लकी साबित हो। ओके, तो गाइज जर्मनी मेरे लिए तो काफ़ी लकी साबित हुआ है। यहाँ पर मुझे मिल गई है चिकॉम की स्किन एंड यहाँ पर अभी मेरा बैटल पास के रेट में कुछ नहीं बचा जो मेरे को मिलना बाकी है, सिवाय एक DLQ33 की स्किन, एंड वो DLQ33 की स्किन मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मनी से कनेक्ट कर लिया है मैंने एंड और मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो गाइज़ आपको एक्चुअली थोड़े ज़्यादा अमाउंट में क्रेडिट जमा करने चाहिए और फिर खोलने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें आपको फिर मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि मैंने किया। यहाँ पर थोड़े बहुत क्रेडिट्स मैंने जमा कर लिए थे अच्छे से यहाँ पर एंड देन मैंने फिर खोले। तो मेरे हिसाब से आपको जमा करके अलग अलग सर्वर में ट्राई करना चाहिए। पहले तो आपको जर्मनी में ट्राई करना चाहिए गाइज, क्योंकि मेरे को जर्मनी में दो अच्छी चीज़ें मिली और USA में मेरे को आई गेस एक अच्छी चीज़ मिली, तो आप कर सकते हैं वो चीज़। और यहाँ पर सीजन 3 गोल्डन क्रेडिट भी पड़े हैं हमारे पास, तो वो भी खोल के देख ही लेते हैं हम लोग क्या है।
तो एक्सपायर 50 जियोमेट्री, नहीं एक्सपायर 50 तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, तो ये ना ही मिले तो अच्छा है, दूसरी कोई भी गन स्किन चल जाएगी मुझे। M21 EBR भी नहीं, वो कहना भूल गया मैं, बट कोई नहीं, M21 EBR मैं वैसे चलाता तो हूँ नहीं क्योंकि उससे अच्छी स्नाइपर राइफल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर और हमारे पास क्या बचा है देख लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचाएगा, इस सारे क्रेट हमने खा लिए खाली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हाँ लाइक किया क्या, सॉरी गाइस वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, बट गाइस कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया तो क्या पता आपको हमारे दूसरे वीडियोज़ भी अच्छे लग जाए, क्लिक कीजिए यहाँ पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।